वेलकम टू अनूज ग्रीन लीफ। तो फ्रेंड्स, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में सबका कड़ी खाने का बहुत मन करता है, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बथुआ की कड़ी। ये कड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो लीजिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 2 लीटर छाछ ली है और यहाँ मैंने आधा कटोरा भर के बेसन लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसन को धीरे धीरे छाछ में डाल देंगे और आपको अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है धीरे धीरे। तो आप अपने हाथों से अच्छे से बेसन को छाछ में मिक्स कर लीजिए। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर गुठली पड़ जाएगी तो आपका मिक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप अच्छे से बिना गुठलियाँ बनाए अपने छाछ के मिक्सचर को रेडी कर लीजिए। अब मैंने यहाँ एक भगोना रख दिया है और उसमें मैंने एक छोटी कटोरी भर के सरसों का तेल डाल दिया है। तो तेल को यहाँ हल्का सा हम गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना। तो जब भी आप कड़ी बनाएं मेथी दाना ज़रूर डालें। 1 छोटी चम्मच हींग डाली है। तो कड़ी बनाते टाइम हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हींग का बहुत अच्छा स्वाद आता है कड़ी में। और मैंने यहाँ 4 से 5 लाल सूखी मिर्च ली हैं, बहुत अच्छी कड़ी बनती है इससे। अब हम यहाँ डालेंगे, मैंने छोटे छोटे बारीक लहसुन काट लिए थे और अदरक को अच्छे से कूट लिया था, तो यहाँ हम अदरक लहसुन डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था और इसको डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लीजिए ताकि ये अच्छे से फ्लेवर में आए। अब मैं इसमें 1 कटोरी प्याज डालूंगी। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की 2 प्याज ली थी और उन्हें काट लिया था। अब मैंने प्याज डाल दी है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आप भून लीजिए धीरे धीरे। जब आपकी प्याज भून जाएगी तब हम उसमें डालेंगे बथुआ। तो मैंने यहाँ बथुआ को अच्छे से बारीक काट लिया है और इसे 4 से 5 बार मैंने पानी में धो भी लिया था। तो आपको हरी सब्जियों को पानी में धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें जो मिट्टी होती है वो निकल जाती है। तो 4 से 5 बार आपको बथुए को पानी में ज़रूर धोना है ताकि आपकी कढ़ी में बिल्कुल भी मिट्टी का फ्लेवर ना आए और वो बहुत टेस्टी बने। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको बथुए को तब तक पकाना है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। जब आपका बथुआ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और वो थोड़ा सा पानी भी छोड़ने लगेगा तब हम उसमें डालेंगे हमारा छाछ का मिक्सचर। तो हमारा छाछ का मिक्सचर जो हमने बनाया था अब वो हम पतीले में डाल देंगे धीरे धीरे करके। तो मैंने यहाँ छाछ का मिक्सचर डाल दिया है। छाछ का मिक्सचर डालने के बाद आपको चमचे की मदद से अपनी कढ़ी को चलाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, चलाते रहना है, वरना आपकी कढ़ी नीचे लग सकती है, जल भी सकती है, तो चलाना ज़रूर है। तो देखिए यहाँ मिक्सचर डाल चुका है। अब हम छाछ के मिक्सचर को अच्छे से, जो हमने पतीले में छाछ का मिक्सचर बनाया था उसको हम अच्छे से पानी से धो के पानी को भी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा गिलास पानी डाल दिया था। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम अपनी कढ़ी में डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैं सबसे पहले डालूँगी 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत अच्छा कलर आएगा आपकी कढ़ी में। और मैं यहाँ डालूँगी 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी तीखी कढ़ी बनाना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो मैंने यहाँ फ्रेश जो धनिया होते हैं, सूखे धनिया, उनको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन आप चाहें तो पैकेट के, मार्केट में जो पैकेट अवेलेबल होते हैं उनको भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ 3 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम हो जाता है तो आप उसे बाद में अपनी कढ़ी को टेस्ट करके भी, उसके अकॉर्डिंग आप कैसा खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे मसाले डाल चुके हैं। अब मैं अच्छे से अपनी कढ़ी को मिक्स कर लूँगी। अब इन सब चीज़ों को आपको 10 मिनट तक बिल्कुल
मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब तक आपकी कढ़ी में बॉयल नहीं आ जाता तब तक आपको पकाना है। जब आपकी कढ़ी में बॉयल आएगा और आपकी कढ़ी हल्की सी गाढ़ी लगेगी तब हम उसमें डाल देंगे एक जग भर के पानी। मैंने यहाँ एक जग भर के पानी डाल दिया। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपकी कढ़ी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरी कढ़ी ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। अब हम इसको अपनी कढ़ी को 10 मिनट तक बॉईल करेंगे धीरे धीरे। तो जब आपकी कढ़ी बॉईल होगी तो वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए कढ़ी बॉईल हो रही है। जब तक हमारी कढ़ी 10 मिनट तक बॉईल होती है तब तक हम इसका तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ इसमें लहसुन और हींग का तड़का देने वाली हूँ। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ गैस ऑन कर दी है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और एक कटोरी रख दी है। आप चाहें तो तड़का पैन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें यहाँ सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो कोई भी दूसरा कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब आपको तेल को हल्का सा गर्म होने देना है। मैंने यहाँ 5 से 6 लहसुन के टुकड़ों को अच्छे से बारीक काट लिया था और मैं इसमें गर्म तेल में डाल दूँगी। और फिर मैं इसमें एक छोटी चम्मच हींग डाल दूँगी ताकि हींग का कढ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए हींग डाल दी है मैंने। आपको लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए मेरा लहसुन थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर का हो चुका है, इतना आने तक आपको भूनना है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अपने तड़के को कढ़ी में डाल देंगे और कढ़ी को ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। तो देखिए अब हमारी कढ़ी रेडी है। अब हम इसे खोल कर देख सकते हैं। अब हम अच्छे से अपनी कढ़ी को चमचे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने तड़का लगाया था वो हमारी कढ़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए और हम किसी भी सर्विंग बोल में इसे सर्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसे सर्व कर रही हूँ। तो कढ़ी आप चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए बहुत अच्छी कढ़ी बनी है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे धनिया से। तो देखिए मैंने धनिया से यहाँ गार्निश कर दिया और ये बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना।